हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 30x60 का ये आपका प्लान है, जो कि इसमें चार फ्लैट बनाए गए हैं 1 BHK के। तो इसमें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, इसकी शर्तें कुछ ऐसी हैं कि ये आपको तीन साइड से ओपन मिलने वाला है, खुला मिलने वाला है, यानी रोड है इसलिए, और चौथी साइड में जो है किसी और की प्रॉपर्टी है, इस तरफ क्लोज है। तो इसमें हमने चार फ्लैट 1 BHK के डिजाइन किए हुए हैं, तो आपको इसमें डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे और आप हर एक तरह की प्लानिंग से रूबरू हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपको एक रोड, यहाँ पर जो मेन रोड है, यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट है, ये आपका मेन गेट है 4 फीट 9 इंच का। जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर, इसलिए इसका पर्पस है देने का, क्योंकि यहाँ से आप एंट्री इजली कर सकते हैं, इसके नीचे से एंट्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से जो एंट्री आप करके फिर यहाँ पे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर से। अब ये फर्स्ट फ्लोर का गाइस आपका प्लान है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ से आप अपवर्ड जाएंगे और यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। ये यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे है तो अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपको पूरा पोर्च मिलने वाला है, कॉमन एरिया है। इसका साइज आपका 18 फीट 2 इंच बाई 8 फीट 4 इंच है। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 4 फीट 9 इंच है, सेम 4 फीट 9 इंच है का पैसेज है। अब यहाँ से अगर आपको फर्स्ट आपके फ्लैट में लेकर जाएं, तो फर्स्ट फ्लैट का कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही आप अपने फर्स्ट फ्लैट में एंट्री करेंगे तो आपको मेन डोर के साथ में विंडो मिलेगा, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आपका ड्राइंग रूम मिलने वाला आपको 9 फीट 9 इंच बाई 8 फीट 9 इंच। गाइस, 1 BHK का मतलब होता है 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। 1 BHK हॉल या ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। इसी में आपको एक किचन मिलने वाला है, जिसका साइज आपका 10 फीट 2 इंच बाई 7 फीट 10 इंच, जो कि काफी बड़ा है, अच्छा है। इसमें आप इस तरह से अपना जो भी किचन का स्लेब है डिजाइन कर सकते हैं, एल शेप में। ये यहाँ पे एक आपको विंडो दिया गया है इस तरह से। आगे आपको इसी के साथ में एक ड्राइंग हॉल में ही गेट दिया गया है, जो आपका बाथरूम है, क्योंकि ड्राइंग रूम में इजली कोई भी आपका बेडरूम में अगर है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए अगर आप चाहें तो अपने बेडरूम में भी इसका गेट रख सकते हैं। इसका वेंटिलेशन के लिए आपको आउटर साइड में यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया गया है। आपको बेडरूम में एंट्री करने के लिए यहाँ से ये गेट मिलता है। बेडरूम आपका साइज है 9 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 1 इंच, और यहाँ पर आपको 4 फीट की विंडो दिया गया है। इधर आपको बालकनी में एक्सेस करने के लिए 3 फीट के गेट के साथ में 3 फीट का विंडो भी दिया गया है। यहाँ से जो इस फ्लैट में रहने वाला होगा वो यहाँ से ये 26 फीट का बालकनी यूज कर पाएगा इजली। अब यहाँ से आप सेकंड जो आपका फ्लैट है वहां पे एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री रहेगी। यहाँ से एंट्री करने पर आप अपने ड्राइंग हॉल में पहुंचेंगे, ड्राइंग रूम बोल सकते हो या हॉल बोल सकते हो। यहाँ पर इसका साइज है गाइस 9 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 1 इंच। इसका किचन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका किचन है,
जो कि साइज है इसका 8 फीट 11 इंच बाई 5 फीट 6 इंच 8 इंच सॉरी। यहाँ पर यह शेप में सेम आपका जो स्लेब दिया गया है और आपके वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दिया गया है। उसके जस्ट पीछे आपको एक WC मिलता है, इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यह वेंटिलेटर दिया गया है OTS में। OTS का साइज है गाइस 5 फीट 6 इंच बाई 4 फीट। OTS का मतलब होता है ओपन टू स्काई, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर खुले आसमान तक ये खुला ही रहने वाला है, कोई स्लैब नहीं कास्ट होती है। WC का आपका साइज है 6 फीट बाई 4 फीट। उसके आगे आपको ड्राइंग रूम से ही अपने बेडरूम में जाने के लिए एंट्री मिलती है, और ड्राइंग आपका जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम से एंट्री करने के बाद बेडरूम में पहुंचेंगे तो इसका साइज जो है आपका बेडरूम का 9 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 1 इंच का। यहाँ से आपको बालकनी में एक्सेस करने के लिए 3 फीट का गेट मिलता है एंड 4 फीट की आपकी विंडो दी गई है। इस फ्लैट में रहने वाले को यहाँ से यहाँ तक का पूरा बालकनी यूज करने को मिलेगा, जो कि साइज 30 फीट है। इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा एज अ मिरर इमेज है, जिस तरह से इधर के दो फ्लैट डिजाइन किए गए हैं सेम मिरर इमेज आपकी इधर भी है। यहाँ पर भी ये आपका तीसरा फ्लैट हो जाएगा, ये आपका चौथा फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इधर भी आपको रोड मिलने वाला है इसलिए इधर भी बालकनी दी हुई है, और इधर भी रोड है तो इधर भी बालकनी और डोर विंडो दिए गए हैं। बट ये इधर साइड में किसी और की प्रॉपर्टी है तो इस साइड में कोई भी डोर विंडो या रोड नहीं दे सकते, इसलिए इसके लिए यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए OTS दिया गया है। इसमें पूरे में फ्लैट में यहाँ पर जो ये विंडो देने का पर्पस ये है कि यहाँ से जो भी वेंटिलेशन जाएगा, क्योंकि ये पूरे में फुल्ली जो भी एरिया बचेगा 7 फीट का, उसमें आपको ग्लास विंडो मिलने वाली है स्टैटिक टू एयर, तो इससे पूरा वेंटिलेशन प्रॉपर इसके लिए होता रहेगा। और ये OTS से आपके ये दोनों किचन और दोनों बाथरूम का वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। तो आज का प्लान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी ऐसे प्लान की जरूरत है उसके पास शेयर जरूर करना। और अगर आपको भी अपना प्लान डिजाइन करवाना है, अपना बिल्डिंग डिजाइन करवाना है, तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई करवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।